हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत है एस एस सी सीजियल क्लासेस के अंदर मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में ये जो सीरीज़ देख रहे हैं आप एक बेहतरीन सीरीज़ देख रहे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की इसके पहले हमने इस वोब के शो में इडियम्स एंड फ्रेजेस को ख़त्म किया था और उसके पहले हमने वन वर्ड वन वर्ड सब्स को ख़त्म किया था तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोज़ एंड देन अगर आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के पुराने वीडियोज़ नहीं देखें तो पहले उनको भी जाकर देख लें समझ लें क्योंकि हम लेटर एम तक आ चुके हैं कहाँ तक आ चुके हैं भाई लेटर एम तक आ चुके हैं और हमारी जो शुरुआत हुई थी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की वो लेटर ए से हुई थी तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है इस सीरीज़ के अंदर तो आप अगर ने आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस राइट चलिए जिस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं देख लेते हैं हमने कितनी बातचीत करी हुई है सेशन के अंदर चलो क्वेश्चन नंबर नाइन फाइव वन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन सिर्फ ये बता रहा है कि आपने अभी तक नाइन फिफ्टी क्वेश्चन मतलब क्या नौ सौ पचास क्वेश्चन पहले ही कर रखे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ठीक है सिर्फ आप एक 950 वर्ड ही ना समझें इसको ठीक है एक वर्ड में करीब करीब अगर मैं एवरेज मानूँ एक वर्ड या फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर करीब करीब आठ से दस वर्ड के बीच में आप चल रहे हो लेके चल रहे हो चीज़ों को समझते हुए तो एक वर्ड में अगर इतने चल रहे हैं तो आप नाइन फिफ्टी वर्ड्स तक कर चुके हो तो हर एक वर्ड में आप काउंट कर सकते हो तो मतलब कैलकुलेट कर सकते हो राइट चलो जी फिफ्टी क्या कह रहा है मेलन जो वर्ड है वो क्या है मेलन है तो मेलन को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं ज़रा देखें मेलन कोहली मेलनकोली की स्थिति जब होती है तो उसको बोलते हैं उदास होना स्टेट ऑफ सैडनेस गहरी उदासी क्या बोला हमने स्टेट ऑफ सैडनेस इसको आप क्या बोलोगे सर मेलन कोहली स्टेज ऑफ मेलन ठीक है ना देख पा रहे ये पिक्चर में ठीक है बच्चा उदास होकर बैठा हुआ है राइट तो मेलन मतलब क्या होगा, भाई सैड हो जाना दुखी हो जाना डिप्रेस हो जाना तो so, सिनोनिम्स क्या क्या निकल के आ रहा है डिप्रेशन आ जाएगा डिस्पॉन्डेंसी आ जाएगी भाई डिस्पॉन्डेंसी एक uh, important वर्ड हो जाएगा ग्लम आ जाएगा dumps आ जाएगा फंक्स आ जाएगा डिजेक्शन आ जाएगा अगर मैं बोलूं कि मिलन की जो मीनिंग है वो है सैडनेस और सैडनेस से रिलेटेड हम मैंने आपके सामने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वर्ड्स रख दिए और मैं आपसे एक ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि नहीं सर आप भी आप भी जो आप स्क्रीन के उस, उस साइड बैठे हो जो आप यहाँ पे चार पांच वर्ड्स देख रहे हो ठीक है इसके अलावा भी मेलेन कोहली या ये कह लें सैडनेस के और भी जितने वर्ड होते हैं उसको राइट डाउन करो तो सोचो मेलेन कोहली की या फिर ये कह लें सैडनेस की सैड की कितनी सारी आप एक वर्ड की सीरीज उठा के रख सकते हो राइट सो so वही चीज यहाँ पे बातचीत चल रही है डिजेक्शन लिखा आपने आगे आप ग्लूम भी लिख सकते हो है ना ग्लूम भी लिख सकते हो मोरोज भी लिख सकते हो मोरोज भी लिख सकते हो लैमेंट लिख सकते हो ठीक है ये सब मेलन कोहली वाली स्टेज की बातचीत हो रही है भाई डन है भाई डन चलो जी एंटोनिम्स की बात करें मेलन कोहली जहाँ पर उदासी भरी चीज़ें चीज़ों के बारे में बात कर रहा है सैडनेस के बारे में बात कर रहा है तो उसका एंटोनिम खुशियों के बारे में बात करेगा चेयरफुलनेस के बारे में बात करेगा तो भाई देखो चो जो आए चेयरफुलनेस हैप्पीनेस मर्थ ग्लिथ ब्लिथ ये सब कुछ क्या है भाई ये आपके लिए मेलन के लिए या फिर मेलन के एंटोनिम्स के लिए और आपस में क्या बन रहे हैं ये सिनोनिम्स बन रहा है डन है नाउ द नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे अगला जो वर्ड है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू आपके स्क्रीन पर है मोनोटोनस होना भाई क्या होना मोनोटोनस होना मोनोटोनस की मीनिंग क्या होगी बिल्कुल सिंपल मीनिंग है भाई मोनोटोनस की मीनिंग क्या होगी भाई मोनोटोनस होता है no क्या मैंने बोला हैविंग नो फीलिंग जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो वो मोनोटो मोनोटोनस हो गया या फिर कलरलेस बोल सकते इसको क्या कलरलेस बिना कलर की जिंदगी है न रंगहीन जिंदगी हुई भाई बिना कलर की जिंदगी हुई उसी को तो आप मोनोट्रंस बोलोगे ना बिना कलर की जिंदगी को भी कलरलेस जिंदगी हुई या फिर फीलिंग नहीं है उस जिंदगी में ठीक है कोई इंतजियाम नहीं है जील नहीं है लैक ऑफ एनर्जी भी बोलोगे क्या बोलोगे लैक ऑफ एनर्जी भी बोलोगे उसको है ना तभी तो मोनाटोनस है भाई बिना एनर्जी के बिना चेयरफुलनेस के चल रही है जिंदगी तो उसको अगर सिनोनिम अगर आप कोई अप्रोप्रिएट देना हो तो आप बोरिंग बोल सकते हो डल बोल सकते हो अपैथी बोल सकते हो अपैथी बोल सकते हो यहाँ से ठीक है कि जिसकी जिंदगी में कोई भी रंग ना हो अपैथी ठीक है सो बोरिंग डल अपैथी क्या हुआ भाई ये मोनाटोनस के लिए सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे अब एंटोनिम्स की बात करें

फिफ्टी थ्री कह रहा है मिनेसिंग क्या करना भाई मिनेसिंग मिनेसिंग की मीनिंग आपके सामने हिंदी में दे रखा है यहाँ पे धमकी भरा है ना आप पिक्चर भी देख पा रहे हो भाई ने ये जो कॉलर पकड़ी है ना भाई की मतलब प्यार से बात करने के लिए नहीं पकड़ी है है ना कि भाई आज आज मैं तुझे लोरी सुना दो ऐसा नहीं वो उसको थ्रेट कर रहा है थ्री कर रहा है थ्रीटेन कर करना थ्रेट करना धमकी देना मिनेसिंग क्या हो गया भाई थ्रेट करना थ्री करना सो so, डेंजरस एक वर्ड उठाया आपने फिर क्या उठाया थ्रेटनिंग उठाया है ना इंटीमीडिएटिंग करना इंटीमीडिएट करना मतलब क्या भाई किसी को थ्रेट करना इंटीमीडिएटिंग मतलब क्या टू थ्रेट समवन है ना थ्रेट करना है ना इनडेंजरिंग करना इनडेंजरिंग करना मतलब क्या किसी को धमका देना इनडेंजर करना ठीक है ना एक वर्ड है इनडेंजर एक वर्ड है इनजेंडर दोनों में आपने क्या लिखना भाई कॉमेंट सेक्शन में इनडेंजर और इनजेंडर दोनों की मीनिंग को लिखना है अच्छे तरीके से लिखना ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके कि दोनों की मीनिंग क्या कहना चाह रहा है ठीक है, करना करना, करना, मतलब मतलब क्या रोकना, Impending मतलब हिंडर करना, करना. Impending, minacing, किसी वो किसी काम से, अब ये जा रहा होगा तो इसको रोकी उसका साथ देंगे ना उसके बारे में बुरा भला थोड़ी बोलेंगे सो so, अगर धमकी देने के में, अगर असिस्टिंग so, और एडिंग क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे मिनेसिंग के लिए एंटोनिम का काम करेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर जरा देखना क्या कह रहा है फिफ्टी फोर क्या कह रहा है मिनियल क्या है भाई 54 है मिनियल मिनियल के बारे में देखना जरा क्या कह रहा जो menial है मिनियल मिनियल जो है मिनियल ठीक है नॉट रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स और हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है ना मिनियल मतलब क्या कि भाई बिल्कुल कॉमन बनाल बनाल कॉमन है ना इंसिपिड है ना और क्या जिजून ये सारी बातें उसको जिसके पास स्पेशल स्किल नहीं है बिल्कुल कॉमन ऑर्डिनरी बोल सकते हो मिनियल की मीनिंग क्या बोल सकते हो ऑर्डिनरी बोल सकते हो इसको है ना नॉट हैविंग स्पेशल स्किल्स मतलब क्या हो गया भाई ऑर्डिनरी हो गया वो ठीक है सर्वाइल यहां से निकाला अपने सरवाइल निकाला स्लैविस निकाला सब सर्वियंट क्या सब सर्वियंट और क्या डिमीनिंग ठीक है बेस ये क्या बन रहे हैं ये सिनोनिम्स बन रहे हैं मेनियल के क्या बन रहे हैं भाई ये सिनोनिम्स बन रहे हैं मेनियल के सो so, मेनियल के सिनोनिम में आप देख पा रहे हो सर्वाइल, स्लेविस सब सर्वियंट डीमिनिंग बेस ये सब सिनोनिम्स मेनियल के लिए ही तैयार हुए हैं ठीक है मिनियल के सिनोनिम्स के बाद से अगर उसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये सब क्या दिखा रहे भाई Ordinary, तो वो एक्स्ट्रा बताएगा भाई उसका एंटोनिम तो सुपीरियर हुआ टैलेंटेड हुआ स्किल्ड हुआ एक्स्ट्रा हुआ इंटेलिजेंट हुआ टैलेंटेड हुआ वो सब मिनियल के इंपॉर्टेंट हो गया सिग्निफिकेंट हो गया वो सब क्या होंगे भाई मिनियल के लिए एंटोनिम का काम करेंगे ठीक है डन नाउ अगला जो वर्ड है भाई अगला जो वर्ड है आपकी स्क्रीन पर वह है मेटामोरफोसिस मेटामोरफोसिस की मीनिंग क्या होगी भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव मेटामोरफोसिस काया पलट लिखा हुआ है यहाँ पे मेटामोफोसिस की मीनिंग क्या लिख रखा भाई काया पलट करना क्या करना काया पलट करना मेटामोरफोसिस अ ट्रांसफॉर्मेशन एज इफ बाय मैजिक और सोर्सरी मार्क्ड चेंज इन अपियरेंस यूजली यूज इन बायोलॉजी डिस्क्राइबिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंसेक्ट्स तीन अलग अलग बातें निकल कर आई तीन अलग अलग मीनिंग निकल कराई लेकिन ये तीनों मीनिंग सिर्फ एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं और वो चीज़ क्या है भाई चेंज तो मेटामोरफोसिस की मीनिंग क्या होगी भाई चेंज है ना ट्रांसफॉर्म मेटामोरफोसिस की मीनिंग क्या होगी भाई चेंज करना क्या करना कंप्लीटली चेंज के बारे में बात कर रहा है या फिर ट्रांसफॉर्म करने के बारे में बात कर रहा है ट्रांसफॉर्म करना मतलब किसी चीज़ के फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देना मतलब उसको चेंज कर देना कंप्लीटली चेंज कर देना है ना मेटामोफोसिस कहलाएगा राइट right. अगर इसके सिनोनिम्स में जाए तो चेंज ओवर लिखा हुआ है भाई चेंज ओवर हो गया कन्वर्जन चेंज करने के सेंस में कन्वर्ट करना कहला, कह रहा है यहाँ पे कन्वर्जन ठीक है म्यूटेशन करना म्यूटेट करना काइंड kind ऑफ of, ठीक है सिनोनिम्स म्यूटेशन भी हो गया वो भी चेंज करने में होगा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने करा दिया और शिफ्ट आपका सिनोनिम्स बन रहा है डन है अगला जो हम एंटोनिम्स देखेंगे मेटामोरफोसिस के लिए वो क्या हुँ? भाई मेंटेनेंस करना डीएक्टिवेशन करना और स्टैग्नेशन करना मतलब कोई चेंज नहीं करना जो जैसा है वैसा का वैसा रह जाए उसमें कोई चेंज ना हो उसको हम बोलेंगे मेटामोरफोसिस का क्या एंटोनिम एंटोनिम समझ में आ गई बात तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स के हम देखेंगे क्या वर्ड मेटल को मेटल मतलब क्या जो साहस करेज की बात करते हैं किसकी बात करते हैं भाई करेज की बात करते हैं ठीक है उसको बोलते हैं मेटल व्रेव की बात करते हैं करेज की बात करते हैं है ना वो होता है भाई क्या मेटल जैसे क्या अभिनंदन जो थे ठीक है फ्लाइट पायलट ठीक है ये भैया पाकिस्तान में गिर गए थे इनके बारे में आपने पढ़ा होगा ठीक है तो ये अभिनंदन है इसने उन्होंने क्या दिखाया 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 था 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 भाई मेटल था अपना, मेटल अपना अपना साहस अदम में साहस है ना ऐसा साहस दिखाया था जो अभी तक कर, मतलब क्या हो भाई किसी ने देखा ना हो इस तरीके का साहस दिखाया मेटल तो क्या हो गया भाई ब्रेवरी हुआ वहां से करेज हुआ करेज ब्रेवरी गैलेंट्री क्या जी ए एल एल ए एन टी आर भाई गैलेंट्री ठीक है मेटल गैलेंट्री राइट एंट्रेपीरिटी क्या पढ़ा आपने इंट्रेपिडिटी ठीक है नर्व अगला वर्ड क्या है नर्व है नर्व अगला वर्ड क्या है भाई वैलियं वैलियं देख पा रहे हैं आप करेज करेज वैलियंजी करेजियंसी गैलेंट्री गैलेंट्री मतलब होता है क्या एक्सट्रीम लेवल पे करेज शो करना क्या भाई एक्सट्रीम लेवल पे जाके करेज शो करना गैलेंट्री कहलाता है गैलेंट कहलाता है यू आर सो गैलेंट मतलब आप क्या वाँ? बहुत ही

ठीक है माइन्यू स्क्यूल या फिर मैन्यू स्क्यूल बोल दोगे देखो भाई ये भाई किसका मतलब समझ नहीं आ रहा डॉगी का पपी है किसका पपी है कुछ किसका बच्चा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा ठीक है अगर आप समझ रहे हो तो कॉमेंट सेक्शन से में बताना ठीक है ये किसके या रेबिट वैबिट का है ठीक है या फिर माइस का है किसका है मतलब मुझे कुछ क्लियर नहीं है है ना लेकिन बड़ा छोटा है ये चीज़ क्लियर है जी है ना ठीक है सो माइन की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई जरा देखना माइन्यू स्कूल की मीनिंग बहुत छोटा मीनिएचर बोलते हैं जी क्या बोलते हैं मिनिएचर मिनिएचर ठीक है स्मॉल याद रखने के लिए आप इसमें इसको स्मॉल इस भी बोल सकते हो ठीक है तो डिमिन्यूटिव हुआ एक वर्ड डिमिन्यूटिव डॉर्फ मिनियेचर और क्या माइन्यूट पिग्मी और क्या टाइनी माइन्यू के लिए आप सिनोनिम्स देख रहे हो क्या क्या डिमिनीटिव डॉर्फ मिनिएचर माइन्यूट पिगमी और टाइनी ये क्या बन रहे हैं ये सिनोनिम्स बन रहे हैं एंटोनिम्स की बात करें अगर एंटोनिम्स क्या होगा भाई ह्यूज बिग टॉल एंटोनिम्स क्या होंगे भाई माइन्यू स्कूल के ह्यूज बिग एंड टॉल क्या बनेंगे भाई एंटोनिम्स बन जाएंगे कोलोसोल बन जाएगा ठीक है बेमोत बन जाएगा मैमोत बन जाएगा इनॉर्मस बन जाएगा ये सब क्या होंगे भाई ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके लिए भाई माइनस क्यूल के लिए अगला जो टर्म है वो है फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन का मिटिगेट मिटिगेट क्या होता है भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट मिटिगेट मिटिगेट मतलब क्या कम करना ठीक क्या करना भाई कम करना तो so, एल आया ए डबल एल ए वाई एल ए ठीक है एल ए आया एलेविएट आया क्या आया भाई एल आया एलेविएट आया एसुएज आया ठीक है पैलिएट आया ठीक है रिलीव आया लेसन एक वर्ड है लेसन एक वर्ड है लेसन एल ई डबल एस ओ एन बोला जाए तो उसका मतलब क्या होता है भाई चैप्टर तो अगर मिटिगेट करना मतलब होता है क्या कम करना किसी के दुख को किसी के दर्द को किसी के आ, मतलब किसी भी चीज़ को कम करने के सेंस में आप मिटिगेट बोलते हो ठीक है मिटिगेट मतलब एल एलेविएट एस यू एस पेलीट रिलीव लेसन टू मेक लेस हार्स और सीवियर क्या टू मेक कोई चीज़ को बहुत ही कम खतरनाक या कम बुरा बनाना उसको बोलते हैं मिटिगेट करना क्या कम खतरनाक या कम बुरा बनाना मिटिगेट करना कहलाता है अगर एंटोनिम्स पे जाया जाए तो एंटानिम्स एंटोनिम्स एग्रेवेट करना इंसाइट करना इरिटेट करना फोमेंट करना बढ़ा देना है ना जो दुख कम हो रहा था उसको आपने क्या कर दिया फोमेंट कर दिया प्रमोट कर देना क्या प्रमोट कर देना फोमेंट कर देना प्रमोट कर देना इरिटेट कर देना एग्रेवेट कर देना और इंसाइट कर देना ये क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे मिटिगेट के लिए एंटोनिम्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन आपकी स्क्रीन पर रहिए फिफ्टी नाइन पर देखेंगे जरा ध्यान देंगे जी फिफ्टी नाइन क्या कह रहा है फिफ्टी नाइन कह रहा है मोमेंटस कोई भी चीज़ अगर मोमेंटस है मोमेंटस की मीनिंग क्या होगी भाई सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मोमेंटस की मीनिंग क्या है मोमेंटस की मीनिंग होती है फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए फॉर इंस्टेंस क्या लिख रखा है ऑफ ग्रेट ग्रेट और फॉर रीचिंग इंपॉर्टेंस और कंसिक्वेंसिस मोमेंटस है ना ठीक है मोमेंटस महत्वपूर्ण मोमेंटस राइट अर्नेस्ट सीवियर ग्रेव वेटी फटल और क्या सिग्निफिकेंट ये रहा हमारे लिए मोमेंटस के सिनोनिम। ये सारे के सारे क्या बने भाई सिनोनिम्स बने अर्नेस्ट बोलोगे इंपॉर्टेंट सीवियर ठीक है क्रिटिकल ग्रेव क्रिटिकल वेटी इंपॉर्टेंट फटल

भाई उदासी की अवस्था को मोरोज बोलते हैं उदासी की अवस्था को क्या बोलेंगे भाई मोरोज बोलेंगे ठीक है जहाँ से निकला है भाई वर्ड सुलेन ग्लूम सैचुराइन ठीक है क्या सैचुराइन सोर सल्की सिनोनिम्स हो जाएंगे क्या मोरूज के क्या बनेंगे भाई सिनोनिम्स बनेंगे एंटोनिम्स की बात करेंगे मोरोज मतलब उदासी तो खुशी हैप्पीनेस के बारे में बात करोगे चेयरफुल जॉयस और ऑप्टिमिस्टिक जो वर्ड है एंटोनिम्स वो है क्या ऑप्टिमिस्टिक मोरोज के लिए क्या बना भाई ऑप्टिमिस्टिक एंटोनिम्स बन गया एंटोनिम्स बन गया डन है चलो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें मॉनफुल लिखा हुआ है 61 क्या कह रहा है भाई मॉनफुल मॉनफुल की मीनिंग क्या होगी भाई देखो मीनिंग दे रखा है भाई आपके सामने मॉनफुल के लिए फुल ऑफ सैडनेस फुल ऑफ सैडनेस मेलनकोली मोरोज मॉनफुल ये सब क्या है भाई सैडनेस के बारे में बातचीत करते हैं उदासी के बारे में बातचीत करते हैं है ना देखो सिनोनिम्स क्या होंगे भाई रोईफुल रोईफुल एक सिनोनिम हो गया वो फुल अलग सिनोनिम हो गया ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए रोईफुल भी इंपॉर्टेंट है वो फुल भी इंपॉर्टेंट है डोलो डोलोरस क्या डोलड्रम भी होता है डोलोरस हो गया ग्रेवियस हो गया राइट प्लेन हो गया और ल्यूगो बेरियस हो गया ल्यूगो बेरियस लोगो बेरियस, बेरियस ठीक है ये चारों के चारों और पांचों क्या हो गया भाई इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया ठीक है तीन चार और एक पांचवा कौन भाई मॉन ये सारे के सारे क्या हो गए भाई इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो गया मॉन्फुल uh, के लिए मोनफुल मतलब उदासी उदासी बोलते हैं सिंपल ठीक है ऐसी उदासी जिसमें आप रो देते हो इस तरह वाली उदासी को जाएगा मोनफुल के लिए क्या बनेगा भाई एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर मंडेन क्या होता है मंडेन की मीनिंग क्या है भाई कॉमन ठीक है एडजेक्टिव है कॉमन ऑर्डिनरी बनाल अन इमेजिनेटिव मंडेन की मीनिंग क्या होगी मंडेन मतलब कॉमन बनाल है ना ऑर्डनरी ये सब क्या होंगे भाई मंडेन के लिए सिनोनिम की तरह काम करेंगे मंडेन के लिए किसका काम करेंगे भाई सिनोनिम की तरह काम करेंगे तो अर्थेन बोल रहा है भाई अर्थेन कॉमन है भाई जो अर्थ पे है वो कॉमन है ठीक है सेक्युलर भी बोल रहा है टेम्पोरल बोल रहा है टेरेन बोल रहा है वर्ल्डली बोल रहा है सो so, मंडेन को उठाओ यहाँ बगल में थोड़े इजी इजी वर्ड बैठा लो क्या बनाल कॉमन इंस्पीड वैपिड है ना जिजून ये क्या बन रहा है मंडेन के लिए हमारे तीन दो पाँच एक छः और बाकी ये नीचे वाले जो भी आप रखना चाहो इसमें से आपकी चॉइसेस है कि इनमें से कोई वाले कोई से वाले वर्ड को रख सकते हो सेकुलर मतलब क्या आपको पता ही है जो कॉमन हो भाई सेकुलर वाली बातें करता हो टेम्पोरल टेरेन वर्ल्डली जो संसारिक बातें करता हो है ना अर्देन वही वर्ल्डली की बातें कर दे कर देगा यहाँ पे राइट right? तो so ये क्या बनेंगे ये बनेंगे सिनोनिम्स अगर एंटोनिम्स की बातचीत की जाए एंटोनिम्स की बात बातचीत की जाए मंडेन मतलब क्या ऑर्डनरी ना कॉमन ना ठीक है ऑर्डनरी यहाँ पे दिख रहा था ऑर्डनरी और कॉमन ठीक है अगर इसके एंटोनिम को पूछोगे तो कोई ऐसा कोई कुछ ऐसी चीज़ जो सरप्राइजिंग हो कोई ऐसी चीज़ जो एक्साइटिंग हो उसको बोलोगे आप मंडेन के लिए क्या मंडेन के लिए बिल्कुल एंटोनिम्स तो एक्साइटिंग बोला आपने सुपर नेचुरल बोला एक्स्ट्रा बोला सरप्राइजिंग भी बोल सकते हो सरप्राइजिंग भी आपके लिए करेक्ट मार्क करेगा यहाँ पे करेक्ट तरीके से काम करेगा सो so, सरप्राइजिंग भी एंटोनिम होगा मंडेन का डन है

शॉर्ट साइटेड जो पास की चीजों के बारे में ज्यादा सोचता हूं ब्लाइंड है ना प्रेजेडिस्ट पार्सियल शॉर्ट साइटेड फॉर साइटेड मतलब दूरदृष्टि जो फ्यूचर का अपना देख पाता हो बेनिफिट एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी बातें देख पाता हो उसको बोलते हैं फार साइटेड जो शॉर्ट साइटेड हो सिर्फ अपने एक कदम चलने के बारे में सोच रहा हो ठीक है फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा ना सोच रहा हो उसको बोलते हैं मायोपिक है ना और दूरदर्शी मायोपिक काइंड ऑफ डिजीज भी होती है भाई मायोपिया my, इससे बनता है भाई मायोपिक से मायोपिया बनता है एक डिजीज है जिसमें अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने है ना जिसको आप यहाँ पे ब्लाइंड की तरह मार्क कर रहे हो एस्टिगमेटिक बोल रहे हो बायस्ड मतलब क्या बायस्ड मतलब आप फेवर ले रहे हो किसी का है ना प्रस मतलब भी क्या आप फेवर ले रहे हो किसी का पार्सियल मतलब भी क्या आप फेयर ले फेवर ले रहे हो राइट सो so, मायोपिक के सिनोनिम हो गया एंटोनिम्स की बात करेंगे तो मैंने बताया ना फार साइटेड तो फार साइटेड सिनोनिम हो गया एक प्रोविडेंट और फेयर फेयर यहाँ पे क्या हो गया प्रोविडेंट और फेयर क्या बन जाएंगे एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे नाउ विल डील क्वेश्चन नंबर 64 64 क्या कह रहा है ध्यान से देखो 64 आपके स्क्रीन पर है 64 कह रहा है मैरियड क्या करना भाई मैरियड मैरियड की मीनिंग क्या है भाई मैरियड की मीनिंग है अनगिनत मैरियड की मीनिंग क्या है भाई अनगिनत ठीक है मैरियड की मीनिंग है सिनोनिम्स की अगर बात करें मैरियड के तो क्या भाई सिनोनिम्स ध्यान से देखना मैरियड के सिनोनिम्स क्या होंगे लीगन ठीक है मैनी न्यूमेरस क्या बोलेंगे भाई लीगन बोलेंगे मैनी बोलेंगे न्यूमेरस बोलेंगे मल्टीट्यूडिनस बोलेंगे काउंटलेस और इमेजर इम बोलेंगे ठीक है ना लीगन बोला मैरियाड मैरियाड मतलब होता काउंटलेस देखो भाई ये जितने भी कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं आपको बेसिकली एक ही कीड़ा कीड़ा दिख रहा है कई सारे काउंटिंग में भाई मैरियाड है मैरियाड मतलब क्या हो गया भाई काउंटलेस न्यूमेरस मैनी लीगन है ना लीजन याद रखेंगे लीजन कुछ लोग पढ़ते हैं इसको एल ई जी आई ओ एन कुछ लोग क्या पढ़ेंगे भाई लीजन पढ़ेंगे कोई सुनिए लीजन भी ठीक है ठीक है सो लीजन हो गया मेनी हो 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 गया 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 न्यूमेरस मल्टी मल्टीट्यूडिनस भाई काउंटलेस हो गया इमेजरेबल multi, हो, हो, हो गया कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो अनकाउंटेबल आप कह सकते हो मैरियाड की मीनिंग ठीक है चलो अनगिनत अब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई जिसको जो काउंटलेस जो काउंट कर पाए लिमिटेड हो है ना मेजरेबल हो फाइनाइट हो उसी को तो आप काउंट कर पाओगे ना काउंटेबल बोल सकते हो इसको मैरियाड के एंटोनिक क्या बोल सकते तो हो काउंटेबल बोल सकते हो तो काउंटेबल भी ठीक ठीक होगा जी अब बात करें अभी तक हमने बातचीत करी है लेटर एम से आने वाले जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में जी अब जो सिलसिला स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है किसके लिए भाई वो स्टार्ट हो रहा है लेटर एन के लिए तो इस सिलसिले को फिर से हम स्टार्ट करते हैं देखते हैं भाई लेटर एन से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है सिक्सटी फाइव नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन स्क्रीन पर है भाई सिक्सटी फाइव नंबर का क्वेश्चन ठीक है नैव 65 नंबर क्वेश्चन है नैप नैप मतलब क्या आपने किसी को नैप कर लिया नैप करना मतलब क्या आपने किसी को पकड़ लिया ग्रैब कर लिया है ना आपने क्या करा भाई किसी को ग्रैब कर लिया तो नैप करना बेसिकली अगर आप देखें तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में ना, जब नैप का यूज होता है नैप करना मतलब क्या किसी को अरेस्ट करना क्या करना भाई किसी को अरेस्ट करना नैप करना कहलाता है है ना किसी को पकड़ लेना नैप करना कहलाएगा ठीक है सो अपरिहेन्ड हुआ यहां पे नैप करना मतलब क्या अपरिहेन्ड करना अरेस्ट करना सीज करना करना कैच क्लच करना ग्रैब करना है ना तो so ये निकलेंगे क्या नैप की मीनिंग निकलेंगे भाई यहां से नैप की मीनिंग बिल्कुल है एप्रीहेंड करना अरेस्ट करना सीज करना कैच करना क्लच करना और क्या निकल रहा है भाई ग्रैब करना होल्ड करना बेसिकली होल्ड करना भी नैप की मीनिंग हो जाएगी भाई होल्ड करना नैप करना कहलाएगा एंटोनिम्स की बात करेंगे एंटोनिम्स आपको पता जब यहां पे पकड़ लिए हैं तो यहां से छोड़ेंगे एंटोनिम्स तो रिलीज फ्री डिस्चार्ज रिलीज फ्री डिस्चार्ज क्या बने भाई एंटोनिस बने किसके लिए नैप के लिए डन नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर नाइन डबल सिक्स नाइन डबल सिक्स या फिर नेटिव बोल रहा है नेटिव के बारे में ना जाने आपने कितनी बार पढ़ा होगा नेटिव मतलब होता है मूल निवासी मतलब आप कहीं पे हो ठीक है अभी मान लो आप सपोज आप दिल्ली में रह रहे हो और आपका नेटिव प्लेस बिहार है है ना और बिहार में भी कोई प्लस पर्टिकुलर प्लेस है है ना दरभंगा या फिर मधुबनी या फिर आरा है ना बलिया ये सब कोई बिहार में कोई बलिया तो यूपी में सॉरी मतलब बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपका ने, नेटिव डिस्ट्रिक्ट हुआ दिल्ली इज इज नॉट योर नेटिव प्लेस है ना वो आपके लिए नेटिव नहीं हुआ नेटिव क्या होगा नेटिव आपके लिए क्या बनेगा भाई बिहार बनेगा ठीक है सो नेटिव मतलब आपको समझ आ गया जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसका नेटिव प्लेस क्या है भाई इस एनिमल का कैमल का नेटिव प्लेस क्या है डेजर्ट डेजर्ट राइट सो नेटिव मतलब होता है कंजीनियल ठीक है कि आपने किया भाई, क्या भाई आपके अंदर बचपन से ठीक है इंडिजिनस इंडिजिनस ठीक है एब ओरिजिनल एब ओरिजिनी वर्ड पूछा है भाई एब एब ओरिजिनी वर्ड पूछा है कई बार आपके पेपर में सो एब ओरिजनी एब ओरिजिनल से बना हुआ रॉ कच्चा

ठीक है अब वो बड़ी हो गई तो भी परी ही ये रहेगी है ना बदल नहीं जाएगा कुछ तो उसका काफ़ी मीम वायरल हुआ है चीज़ों को लेकर होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है इंडिया है फ्री लोग बैठे हुए हैं बेरोज़गारी का आलम ये है कि हम किसी भी चीज़ पे कुछ भी बना देते हैं जी है ना ये हमारी बेरोजगारी बेरोजगारी का आलम है राइट सो नॉटी जो है नॉटी मतलब शरारती होता है नॉटी क्या होता है भाई शरारती होता है जैसे जैसे ये गुड़िया बहुत शरारती देखो पापा की पेंटिंग कर रही है है ना सो so, नॉटी मतलब क्या शरारसी शरारती मतलब क्या मिसचीवियस जो वर्ड है वो क्या है भाई मिसचीवियस है क्या इमॉडेस्ट है मिसचीवियस बोला इमॉडेस्ट बोला मिसचीवियस एम आई एस सी एच आई ई वी ओ यू एस मिसचीवियस इमॉडेस्ट राइट इंडिसेंट अनबीकमिंग अनबिकमिंग बोल रहे हो इनडिसेंट बोल रहे हो immodest बोल रहे हो mischievous बोल रहे हो और क्या बोलोगे आप यहाँ पे अनसिमली क्या बोलोगे अनसिमली बोलोगे तो so, अनसिमली बोला आपने mischievous बोला आपने इम बोला आपने इनडिसेंट बोला आपने अनबिकमिंग बोला आपने अनसिमली मतलब कि वो बंदा ठीक है अगर मेनली जो मैं पूछूं आपसे नॉटी के लिए क्या होगा तो नॉटी के लिए यहाँ पे मिसचिवियस हो जाएगा इम हो जाएगा इनडिसेंट हो जाएगा कि भाई वो ठीक ठाक नहीं है ठीक है नोटी है शरारती है राइट एंटोनिम्स के तौर पर अगर मैं पूछूँ आपसे तो एंटोनिम्स क्या निकल के आएंगे मॉडेस्ट निकल के आएंगे प्रॉपर निकल के आएंगे और बिहेवड निकल कर आएगा नॉटी के लिए एंटोनिक्स क्या निकल करेगा यही तीन निकल कर आएंगे बात करेंगे क्वेश्चन क्या ध्यान ना देना ओवर लुक करना काइंड ऑफ अवॉइड करना यह कह सकते हो अवॉइड करना या फिर एक वर्ड होता है ओवर लुक करना ध्यान ना देना ओवर लुक करना अवॉइड करना नेग्लेक्ट करना राइट जैसे क्या अभी जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई जो ये रिवर है इसकी सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है इसको नेगलेक्ट कर रही है इसलिए ये पिक्चर आपके सामने लगी हुई है नेगलेक्ट करना मतलब क्या ध्यान ना देना बिल्कुल केयर ही ना करना उसको बोलते हैं नेगलेक्ट अब क्या डिसरिगार्ड बोलेंगे उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है मतलब समझ जैसे कि हमारी ऐसी कंट्री जिसमें रिवर को हम माँ बोलते हैं ठीक है और माँ की ही सफाई नहीं कर रहा समझ ठीक है फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है फॉरेन कंट्री के सारे रिवर बिल्कुल अप डेट है सारे अच्छे नीट एंड क्लीन है टाइडी है लेकिन हमारे रिवर कुछ ऐसे दिखते हैं क्यों क्योंकि हम माँ बोलते हैं राइट ये, ये 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 भाई एक बिटर ट्रूथ है हमारे लिए सो इग्नोर लिखा हुआ है यहाँ पे ट करना इग्नोर करना स्लाइट डिफॉल्ट फेल और ओमिट सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई निगलेक्ट के लिए ये सिनोनिम्स बन जाएंगे की की बात की जाए अगर neglect के की की बात की जाए तो क्या आएगा भाई ऑनर आएगा रिस्पेक्ट आएगा रिगार्ड आएगा क्या क्या भाई रिगार्ड रिस्पेक्ट ऑनर है ना केयर करना बेसिकली है ना केयर करना निग्लेक्ट के लिए एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे नाउ द नेक्स्ट वर्ड सिक्सटी नाइन क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ध्यान से देखे जरा सिक्सटी नाइन जेंट negligent. Negligent होना जैसे कि ये मोहतरमा ड्राइव कर रही हैं ड्राइव कर रही हैं लेकिन पूरा ध्यान किस पे है भाई फोन पे है तो फोन पे है तो ये क्या है भाई बिल्कुल negligent है भाई बिल्कुल है लापरवाह नेग्लिजेंट के लिए जो बिल्कुल आप एक ईजी वर्ड पूछ सकते हो वो हो गया केयरलेस क्या, क्या हो गया भाई केयरलेस होना ठीक है निग्लेक्टफुल होना नेग्लेक्टफुल होना केयरलेस होना नेग्लिजेंट के लिए क्या बन जाएगा भाई सिनोनिम्स बन जाएंगे तो सिनोनिम्स देखो डेरी हो गया भाई एक इंपॉर्टेंट लैक्स हो गया ठीक है तो जो आपको बॉक्स में दिख रहे हैं वर्ड वो क्या है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वर्ड आपको कहा दिख रहे हैं भाई बॉक्स में दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे सो रेमिसिक्ट लैक्स और क्या भाई वैसे केयरलेस और निग्लिजेंट क्या है भाई बिल्कुल पास पास हैं इजी हैं तो उनको यहाँ से याद रखेंगे भाई अगर एंटोनिम्स के बारे में बात करें तो वहां केयरलेस की तरह यूज हो रहा है पे क्या केयरफुल हो जाएगा भाई माइंडफुल हो जाएगा अटेंटिव हो जाएगा अलर्ट हो जाएगा भाई है ना बहुत ही ज्यादा सावधान होने के बारे में बात कर रहा है है एंटोनिम्स हो जाएंगे ये डन चलो जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी की बात करें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अपना अगला क्वेश्चन है ठीक है के बारे में बात करें तो सेवेंटी का क्या बोल रहा है भाई नेग्लिजिबल ने क्या होता है भाई नेग्लिजिबल होता है बिल्कुल ना के बराबर है ना नेग्लिजिबल क्या होता है भाई सो सो स्मॉल स्मॉल इतना कम होना जिससे क्या कि एक हाथी को आपने एक बनाना दे दिया खाने को ठीक है दो दिन भूखा रखा और एक बनाना दिया खाने को तो उसके लिए वो क्या है नेग्लिजिबल है कुछ भी नहीं है भाई है ना वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है और उससे उसका पेट भी नहीं बढ़ने वाला है तो so, उसको बोलेंगे क्या सो so स्मॉल इतना स्मॉल एज टू बी मीनिंगलेस है Insignificant, है ना ना इनसिग्निफिकेंट कि भाई बहुत ही स्मॉल होना बहुत ही कम होना जैसे आपको बहुत भूख लगी है बहुत तगड़ी भूख लगी है और आपको इतना चावल दे दिया खाने को ठीक है तो आप गुस्सा हो जाओगे ना तो उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल है ना जो इतना चावल दिया उसको बोलेंगे नेग्लिजिबल क्या इनकंसिडरेबल नॉट सो इंपॉर्टेंट नेग्लिजिबल मतलब क्या नॉट सो इंपॉर्टेंट आप ये बोल सकते हो नॉट सो इंपॉर्टेंट राइट क्या बोलोगे पल्ट्राई बोलोगे इनकन्डरेबल बोलोगे और क्या बोल सकते हो पीटी बोलोगे ट्रिपलिंग सिलेंडर स्लाइट मतलब क्या नेग्लिजिबल मतलब क्या अवॉइड करने के सेंस में हम इसको यूज करेंगे ठीक है एंटोनिम्स की बात करें एंटोनिम्स क्या होगा भाई सिग्निफिकेंट होगा मेजर होगा इंपॉर्टेंट होगा ये क्या बनेंगे भाई इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे एंटोनिम्स आपने मार्क कर लेना है जी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सेवेंटी वन की बात कर लेते हैं देखते हैं भाई नेग्लीजिबल तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि सर यहाँ सिलेंडर लिखा हुआ है इसका मतलब थिन तो होता है लेकिन क्या होता है भाई अप्रोप्रिएट वर्ड्स पूछते हैं जब आपसे पेपर में और सिलेंडर दे रखा हो सिलेंडर मतलब क्या आप उसको कंसिडर कहाँ कर रहे हो थिन जो है उसको कंसिडर कहाँ कर रहे हो तो वो चीज़ आपने क्या करना अंडरस्टूड करना है वो चीज़ भी अपने

नर्वस होना नर्वस होना मतलब क्या घबराना नर्वस की मीनिंग क्या होती है भाई घबरा जाना ठीक है घबराने के सेंस में आप नर्वस को यूज करते हो घबराया हुआ ठीक है चलो एगिटेटेड बोल तो एगिटेटेड एनेक्सियस ठीक है कंसर्न और क्या जिटरी रेस्टिव टेंस ये क्या हो गया भाई ये एगिटेटेड एनेक्सियस कंसर्न जिटरी रेस्टिव और क्या बन रहा भाई टेंस ये क्या बन रहे ये बन रहे आपके लिए सिनोनिम्स क्या बन रहे भाई सिनोनिम्स बन रहे हैं नर्वस की ठीक है एंटोनिम्स की बात कर ले अगर एंटोनिम्स ध्यान दें तो एंटोनिम्स क्या क्या बन रहा है भाई काम बन रहा है कंटेंट बन रहा है और क्या बन रहा है अनकंसर्न बन रहा है ये क्या बन रहा है ये बन रहे हैं आपके लिए एंटोनिम्स नर्वस के लिए एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं ठीक है भाई नर्वस के लिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगले क्वेश्चन की बात करें सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन की बात करें भाई सेवेंटी टू नंबर का क्वेश्चन देखो भाई सेवेंटी टू नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है नॉमिनल होना मतलब क्या नॉम नाम मात्र कहते हो ना भाई नॉमिनल सा इसमें चेंज आया है क्या है भाई नॉमिनल चेंज आया है नाम मात्र बदलाव हुआ है नाम मात्र बदलाव मतलब बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ है. कोई खास बदलाव नहीं हुआ नाम मात्र बदलाव हुआ नॉमिनल राइट सो नॉमिनल की मीनिंग यहाँ पे देखना क्या इनसिग्निफिकेंटली स्मॉल है ना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देना बिल्कुल स्मॉल स्मॉल इन अ मैटर ऑफ फॉर्म ओनली है ना नॉमिनल राइट right.

आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री भाई सेवेंटी थ्री क्या कह रहा कह रहा है नर्चर करना नर्चर करना मतलब क्या पालन पोषण करना है ना थ्राइव करना फलना फूलना जो कहते हो पालन पोषण करना जैसे क्या आप एक, फल, एक आपने सीड लगाए अब उस सीड को नर्चर कर रहे हो पाल पोस रहे हो कल्टिवेट करना एक वर्ड निकल कर आया यहाँ से कल्टिवेट करना फॉस्टर करना जैसे कहते हैं ना चाइल्ड को कैसे आप फॉस्टर करो कैसे पाल रहो है ना फॉस्टर ठीक है नरिस करना नर्स करना डिसिप्लिन देना ट्रेन करना उसको ट्रेन करना है ना ये कैसे आप उसको ट्रेन कर रहो कैसे वो उसको सिखा हो सारी बातें कर रहो ठीक है वो होता है भाई क्या नर्चर करना ट्रेन करना तो so ट्रेन करना नर्चर करना नर्स नर्स करना डिसिप्लिन करना नर्स करना कल्टीवेट करना फॉस्टर करना ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? नर्चर के सिनोनिम हो जाएंगे एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई इग्नोर करना नेग्लेक्ट करना डिप्राइव करना क्या भाई डिप्राइव करना नेग्लेक्ट करना इग्नोर करना आपके लिए क्या बनेगा भाई एंटोनिम्स बन जाएगा किसके लिए नर्चर के लिए नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर क्या कह रहा है नेस्टी क्या होगा Nasty. Nasty भाई नेस्टी एन ए एस टी वाई नेस्टी क्या होता है ध्यान से देखो जरा नेस्टी होता है गंदा नेस्टी क्या होता है भाई गंदा गंदा मतलब क्या फिल्दी नेस्टी क्या हुआ फिल्दी हुआ ठीक है एट्रोसिस एस्ट्रोसिस हुआ भाई ठीक है रिपेलेंट हुआ फाउल एक एप्रोप्रिएट वर्ड निकल कर आया क्या फाउल किसके लिए नेस्टी के लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड क्या निकल के आया भाई फाउल निकल के आया प्रोफेन निकल कर स्पाइटफुल निकल कर आया, गंदा जहां से एक बिल्कुल अजीब सी स्ट्रेंथ सी स्मेल आ रही हो बदबू आ रही हो वो जगह जैसे कूड़ा करकट वाला आप गली मोहल्ले से गुजर रहे हो ये क्या है भाई ये नेस्टी प्लेस है क्या नेस्टी प्लेस है इससे ज्यादा गंदा कुछ हो ही नहीं सकता है ना ठीक है सो भाई ये हो गया नेस्टी मतलब क्या गंदा डर्टी बोल सकते हो इसको आप डर्टी बोल सकते हो है ना चलो

टाइडी टाइडी क्लीन ये क्या बन रहे हैं ये बन रहे हैं एंटोनिम्स नास्टी के लिए एंटोनिम्स बनेंगे डन है चलो जी अगला क्वेश्चन है सेवनटी फाइव नंबर का सेवेंटी फाइव क्या कह रहा है नोटेबल सेवेंटी फाइव नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई नोटेबल नोटेबल बोल रहा है no नोटेबल मतलब क्या होगा भाई देखो ये नीरज चोपड़ा है ठीक है नोटेबल मतलब क्या कोई भी चीज आपने एड नोटेबल no करा तो नोटेबल no मतलब एडमायरेबल हुआ वो ठीक है प्रशंसनीय काम करना सबने नोटिस करा इसलिए वो नोटेबल हुआ ठीक है और और नोटिस तब कब करते हैं जब आपने वो ऐसा कुछ करा हो 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 जिसमें प्रशंसा की जा जा रही हो, प्रेज किया जा रहा हो आपको तब उसको बोलेंगे नोटेबल नोटेबल टास्क से निकल कर क्या नोटेबल से निकल क्या, uh, क्या? प्रेजेबल uh, है प्रेज करने राइट? So यहां से करेंगे

ठीक है सो नोटेबल एडमायरेबल ये सब क्या होंगे सारे सारे काम करें synonyms की तरह काम करेंगे राइट? अगर अब antonyms की बात करें, antonyms क्या हो जाएगा कॉमन सिग्निफिकेंट ऑर्डिनरी है ना Insignificant, inconsequential है ना, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो कॉमन है ऑर्डिनरी है बनाल है ठीक है उसको बोले क्या नोटेबल का क्या एंटोनिम डन है चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स के बारे में बात करें क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स सेवेंट सेवेंटी सिक्स क्या कहलाता भाई सेवेंटी सिक्स नोटवर्दी 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 मतलब क्या हो गया भाई ध्यान देने योग्य वर्दी ऑफ नोटिस नोटवर्दी मतलब जिस चीज पे ध्यान दिया जाए ठीक है जिस पे नोटिस किया जाए उसको बोलते हैं क्या नोटवर्दी क्या बोलेंगे भाई नोटवर्दी बोलेंगे राइट ठीक है सो वो ऐसा क्या है जिसपे ध्यान दोगे ऐसा क्या है जिसपे ध्यान दोगे जो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा डिस्टिंक्ट दिखेगा अलग दिखेगा उसी पर तो दो ध्यान दोगे है ना उसी पर ध्यान दोगे सो so, एक्सेप्शनल आप मार्क करें यहां से क्या मार्क किया आपने एक्सेप्शनल मार्क किया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्क किया एक्सेप्शनल मार्क किया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्क किया आउटस्टैंडिंग मार्क किया मेमोरेबल मार्क किया ठीक है मीनिंगफुल मार्क किया प्रोमिनेंट मार्क किया राइट नोटवर्दी के लिए आप सिनोनिम्स की बात कर रहे हो आपने सिनोनिम्स क्या लगा दिया एक्सेप्शनल लगा दिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगा दिया आउटस्टैंडिंग लगा दिया मेमोरेबल लगा दिया मीनिंगफुल लगा दिया प्रोमिनेंट लगा दिया ये नोटवर्दी के लिए क्या बने भाई ये बने सिनोनिम्स क्या बने भाई सिनोनिम्स बने अब बात करते हैं एंटोनिम्स एंटोनिम्स क्या निकल कर आएगा भाई ऑर्डिनरी अन और कॉमन है ना इन स्पीड बनाल है ना ये सारी चीजें क्या होंगे भाई एंटोनिम्स होंगे क्योंकि जो कॉमन चीजें हैं रोज -रो जो अब रोज जो आप मार्केट जा रो रोज एक ही चीज को देख रहे हो तो आप नोटिस नहीं करोगे समथिंग यूनिक होगा कुछ यूनिक होगा कुछ नया होगा आप उस पर पूरा ध्यान आपका जाएगा पूरा फोकस करोगे तो वही चीज है भाई नोटवर्दी के लिए आप सीरोनिम्स और एंटोनिम्स इजी तरीके से फिगर आउट कर सकते हो बहुत ही ईजिल फिगर आउट कर सकते हो राइट डन है भाई बात करें अगले क्वेश्चन की चलो डबल सेवन क्वेश्चन नंबर डबल सेवन क्या कह रहा है ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर डबल सेवन कह रहा है नोटोरियस है ना Notorious, नोटोरियस Notorious की मीनिंग नोटोरियस नोटोरियस मतलब क्या हो गया भाई इन फेमस बदमाश क्या बदनाम या बदमाश ठीक है देखो ये अपने यहां पे दाऊद इब्राहिम है ही इब्राहिम डॉन डॉन कहते हैं इनको ठीक है ये इनकी बदनामी अलग चलती है भाई ठीक है आपको पता है इनकी कहानी इन फेमस नोटोरियस स्कैंडुलस जो स्कैंडल वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं अलग-अलग तरीके करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं ठीक है ब्लाटांट क्या ब्लाटांट फ्लैगरेंट ब्लाटांट फ्लैगरेंट क्लेरिंग और क्या अप्रोब्रियस क्या अप्रोब्रियस जो क्या करते हैं दूसरों को सप्रेस करते हैं दूसरों की चीजों का क्या करते हैं भाई अपने बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है ियस कहते हैं नोटोरियस के सिनोनिम्स में वो मार्क किए जाएंगे Antonyms की अगर बातचीत किया जाए Antonyms की तो वो क्या होंगे भाई ऑब्सक्योर होंगे अननोन होंगे अनरिमार्केबल होंगे नोटोरियस होके फेमस होते हैं नोटोरियस होके भी क्या होते हैं भाई फेमस होते हैं यूनिक होते हैं अलग होते हैं तभी इनको लोग जानते हैं इनके बारे में नो, ये नोन होते हैं राइट डन है चलो सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नोविस नोविस क्या कहलाता है भाई नोविस नोविस की मीनिंग क्या होगी भाई नोविस मतलब हो गया भाई नो सीखिया नोविस की बात करेंगे तो नॉ नौ, नॉन एक्सपर्ट बोल लेंगे क्या नॉन एक्सपर्ट नोविस हो जाएगा ठीक है नॉन एक्सपर्ट नोविस हो जाएगा देख रहा ये बच्चा है छोटा सा गोलू मोलू सा साइकिल सीखने की कोशिश कर रहा है साइकिलिंग सीखने की कोशिश कर रहा है नॉन एक्सपर्ट है वो क्या है भाई नोविस है अब नोविस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप बेगिनर बोल रहे हो फ्रेशमैन बोल रहे हो ग्रीन हॉर्न ग्रीन हॉर्न पेपर में आया हुआ है न्यू फाइट आया हुआ है टायरो आया हुआ है ठीक है फ्लेजलिंग आया हुआ है, ठीक है और क्या आया हुआ वो मार्क करना अमेचर आया हुआ है ठीक है न्यू हॉर्न हो गया न्यू ग्री, आ, ग्रीन हॉर्न आया हुआ है ठीक है ग्रीन हॉर्न आया हुआ है और क्या आया हुआ भाई नेव आया हुआ पेपर में है ना नेव इसी का सिनोनिम हो गया नेव ठीक है सो नेव हुआ फ्लेजलिंग हुआ ग्रीन हॉल हुआ न्यूफाइट हुआ, हुआ अमेचर हुआ है ना बेगनर हुआ नोविस हुआ ये सारे के सारे क्या हो गए भाई सारे के सारे सिनोनिम हो गया सारे के सारे क्या हो गए भाई सिनोनिम हो गए राइट सिनोनिम हो गए अब एंटोनिम्स की बात करें और इन सब की मीनिंग क्या होगी भाई नॉन एक्सपर्ट है ना नॉन प्रोफेशनल ये सारे के सारे क्या हो गए भाई ये मीनिंग दे रहे हैं तो आपने क्या करना है नोविस की एंटोनिम्स पूछा कोई तो नोविस के एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई एक्सपर्ट हो जाएगी प्रोफेशनल हो जाएगी वेटरन हो जाएगी की no क्या बनी भाई डन। चलो। 79, 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है नलीफाई नलीफाई करना मतलब क्या होता है इनवैलिडेट करना नलिफाई करने का मतलब क्या करना इनवैलिड करना नलिफाई देखो यहां पे स्क्रीन पर लिख रखा भाई नलीफाई मेक समथिंग लीगली इनवैलिड मेक समथिंग लीगली इनवैलिड कुछ क्या कर देना भाई लीगल तरीके से इनवैलिड कर देना है ना लीगल तरीके से लीगल तरीके से अवैध करार कर देना उसको बोलते हैं नलीफाई क्या बोलेंगे भाई, nullify बोलेंगे, कोई भी चीज लीगल तरीके से अवैध कर देना उसको बोलेंगे, nullify बोलेंगे. Ebolis, nullify क्या, बोलेंगे एबोलिस ठीक है नलीफाई क्या होगा भाई एबोलिस ठीक है एबोलिस हुआ यहां से

वैलिडेट यहाँ से हटाओ निगेट करना है ना वैलिडेट कैसे होगा है ना ठीक है चलो कभी कभी एक दो वर्ड आपको इसमें गलत गलत दिख जाएंगे कोई इशू नहीं है उसको इशू बनने वाली भी कोई बात नहीं है एंटोनिम्स क्या बोलेंगे भाई? वैलिडेट और अफॉर्म एंटोनिम्स हो जाएंगे देन है चलो चलो भाई लेटर अगला क्वेश्चन अगला जो हमारा लेटर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है लेटर ओ

आप सामने वाले की बात को बिल्कुल सुन रहे हो मान रहे हो एक्सेप्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं ओबीडियंट उसको वो क्या बोलेंगे भाई ओबीडियंट देख रहे हो भाई कि ये जो भाई कितने ओबीडियंट है कि जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं अब ये गिरेगा फिर ये गिरेगा फिर ये गिरेगा फिर, गिरे फिर ये 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 ठीक है ये सब कितने भाई ओबीडियंट है क्या बोलेंगे कंप्लाइंट बोलेंगे कंफर्टेबल बोलेंगे डोसाइल बोलेंगे सबमिसिव बोलेंगे सप्पल बोलेंगे ये क्या होंगे भाई ये ओबीडियंट की मीनिंग हो गई भाई ओबीडियंट की क्या बनी भाई मीनिंग बनी सप्पल हो गया भाई एंटोनिम्स की बात करें एंटोनिम्स राइट ओबीडियंट अभी हम कर रहे हैं ओबीडियंट के एंटोनिम्स देख लेते हैं भाई कॉम्प्लाइंट कंफर्टेबल डोसाइल समेसी और सप्पल तो इसके सिनोनिम की तरह काम करेंगे ईजिली ये चीज़ आपको अंडरस्टूड हो गई है जी है ना अगर ओबीडियंट के एंटोनिम्स की बात करें तो इंसोलेंट हुआ जी इंसोलेंट हुआ म्यूटिनस हुआ है ना और इंसॉलेंट वापस से इंसोलेंट लिख दिया है? चलो ठीक है मैं आपको आप यहां पे और दे देता हूं क्यों परेशान हो गए है इंसोलेंट यहां से काट दो इंसोलेंट म्यूटिनस और क्या रिबेल बोल लो रिबेल और क्या स्टब्बन बोल लो स्टबबन बोल लो एरोगेंट बोल लो ठीक है लो स्टबबन बोल लिया आपने यहां लो एरोगेंट ले लो

ओबीस देख हो भाई Obese, ये जो मोहतरमा है ओबीस की मीनिंग क्या होगी ठीक है ये मोहतरमा को देख ही आप आइडिया लगा सकते हैं ओबेसिटी मोटा. मोटा. मतलब को ओबेसिटी आप उठाओगे अगर यहाँ से ओबीज मतलब क्या ओबेसिटी मोटापा ओबेसिटी ठीक है ओबीज से क्या बना भाई ओबेसिटी मोटापा बोलते हैं उसको ओबीज मतलब मोटा राइट right. पैटी फैटी बोल सकते हो राइट right? क्या है, क्या है भाई? आएगा भाई कार्प्युलेंट आएगा फ्लेसी आएगा ग्रॉस आएगा पोर्टली आएगा ओवर वेट आएगा स्टाउट आएगा क्या क्या आएगा भाई कार्पुलेंट आया फ्लेसी आया कॉर्पुलेंट corp, बोला आपने फ्लेसी बोला ग्रॉस बोला पोर्टली बोला ओवर वेट बोला स्टाउट बोला ये सारे के सारे या फैटी बोल लो फैट ठीक है मोटा तो so, ये सारे के सारे ओबीज के क्या हुए सिनोनिम हुए मोटापे के बारे में बातचीत करेंगे मोटा होने के बारे में बातचीत करेंगे राइट कॉर्पुलेंट फ्लेसी ग्रॉस पोर्टली पोर्टली ओवरवेट वेट स्टाउट एंड फैट ओबीज राइट एंटोनिम्स देखे भाई एंटोनिम्स मोटे की एंटोनिम्स क्योंकि पतला दुबला पतला सिलेंडर बोल लोगे क्या एक होता है सिलेंडर एस एल ई -E एन डी ई -E सिलेंडर हो जाएगा जी थिन हो जाएगा थिन हो जाएगा बोनी बोलोगे। लो लोगे बी ओ एन वाई बोनी देखो भाई अलग से तो तीन वर्ड ये हो गए और बाकी क्या इमेसिएटेड बहुत ज्यादा दुबला पतला होना इमेसिएटेड खाने पीने की कमी की वजह से अंडरवेट होना स्कीनी होना इसके अलावा स्लेंडर वर्ड आपने पढ़ा थिन पढ़ा बोनी पढ़ा क्या क्या पढ़ा भाई स्लेंडर पड़ा थिन पड़ा बोनी पड़ा इमेसिएटेड अंडर वेट के लिए क्या हो जाएंगे वो वो बन जाएंगे आपके

ऑब्जेक्टिव की कंक्रीट क्या है मुद्दा उद्देश्य मुद्दा कंक्रीट क्या हो गया भाई मुद्दा हो गया सब्सटेंशियल जरूरत मुद्दा अगेन इक्विटेबल वही बात वापस है नॉन पार्टीशन और क्या रियलिस्टिक और ये सारी चीजें क्या है भाई ऑब्जेक्टिव के सिनोनिम्स की तरह ट्रीट की जा रही हैं सारी चीजें क्या ऑब्जेक्टिव के सिनोनिम्स की तरह ट्रीट की जा रही हैं एंटोनम्स की बात करें तो

Obsolete के बारे में बातचीत कर रहा ऑप्सिलिट क्या होता है ऑप्सिलिट होता है ओल्ड आपने ऑप्शिलिट को पढ़ा हुआ क्या ओल्ड ठीक है ना और क्या आउटडेटेड एक वर्ड है आउटडेटेड ऑप्सिलिट को अगर ठीक से समझना है ना तो ओल्ड की जगह पे वर्ड वर्ड क्या याद रखना है भाई आपको आउटडेटेड क्यों क्योंकि की जो मीनिंग होती है उसका सिंपल या फिर कह सकते हो कि भाई जो एक प्योर मीनिंग होती है वो क्या होता है भाई मतलब ऐसी चीज जो अब यूज नहीं हो रही है पहले यूज हुआ करती थी पुराने समय में उसका यूज ज्यादा था अब वो चीज यूज नहीं हो रही है जैसे क्या आप देख पा रहे हो ये टेलीफोन टेलीफोन अब भी क्या है भाई फैशन के तौर पे ठीक है एक जिनको मतलब अरकाइक चीजें कलेक्ट करने का शौक होगा या तो वो या तो फैशन के तौर पे किसी के घर में बेकार हो गया ऑप्शलिट हो गया बेकार हो गया अब ये यूज में नहीं है नॉट इन यूज ऑप्सिलिट की मीनिंग क्या हो भाई नॉट इन यूज इन मॉडर्न टाइम मॉडर्न टाइम में ये यूज में नहीं है पुराने टाइम में हुआ करता था राइट right? आउटडेटेड हो गया भाई वर्ड आउटडेटेड ठीक है यूजलेस हो गया भाई और क्या डिस्कार्डेड डिस्कार्डेड कब डिस्कार्ड किसी चीज को कब करोगे जब उसका यूज नहीं करोगे तो उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे कचरा हो गया वो आपके लिए तभी तो डिस्कार्ड करोगे ना कि जवाब बेकार हो गया तुम तो हम तुम्हारा यूज नहीं कर पा रहे हैं डिस्कार्डेड अरकाइक बोला आपने क्या बोला भाई अरकाइक बोला राइट right? अरकाइक हो गया और क्या एंटीक एंटीक की मीनिंग क्या होगी भाई पुराना अरकाइक मतलब पुराना और सब सुपरसीडेड सुपरसीडेड भी क्या हो जाएगा भाई सिनोनिम की तरह ट्रीट किया जाएगा ऑप्शिलिट की सिनोनिम्स टर्न है एंटोनिम्स की बात करें एंटोनिट मतलब क्या जो यूज में नहीं है तो यूज में नहीं है तो उसके लिए एंटोनिम क्या यूजफुल हो जाएगा भाई है ना यूज में हो जो यूजफुल हो जो ठीक है दूसरा क्या कंटेम्प्रेरी मतलब चल रहा है समकालीन मतलब क्या कंटेम्प्रेरी चल रहा है भाई करंट बोलोगे मॉडर्न बोलोगे और क्या बोलोगे न्यू बोल सकते हो न्यू बोल सकते हो ठीक है ये क्या होंगे ऑप्सलीट के लिए भाई एंटोनिम का काम करेंगे नाउ 84 की बात कर ले क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा, ध्यान से देखो. 84 रहा? है भाई ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल मतलब होता है हिंडर करना रुकावट जैसे क्या ये ऑब्स्टेकल है गाड़ी यहां से यहां नहीं जा सकती पैदल वाले तो नीचे से निकल जाएंगे लेकिन गाड़ी ऐसे जानी है वो जाकर टकरा जाएगी नहीं जाएगी तो ऑब्स्टेकल लग गया भाई रुकावट तो स्टॉप कह सकते हो है ना और क्या आ, सिंपल सी बात है हिंडर कह सकते हो हिंडर हिंडर करना एक इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई हैम्पर करना जो पेपर में देखने को मिला है हैम्पर करना रुक जाना या रोक देना क्या करना भाई रोक देना हैम्पर करना कहलाएगा ठीक है ना करना स्टॉप करना ऑब्स्टिकल की मीनिंग कहलाएगी राइट ऑब्स्टिकल की मीनिंग ठीक है अब देखो सिनोनिम क्या क्या है भाई बार बार मतलब क्या आपको रोक दिया गया बार कर दिया गया डिबार कर दिया गया डिबार मतलब बाहर कर दिया गया एग्जाम नहीं देने दिया गया बैरियर बैरियर लगा भाई रोक दिया गया रुकावट है ब्लॉक है।, है।, मतलब है, ना हिंड्रेंस क्लॉक और ब्लॉक हर्डल क्लॉग ब्लॉक बैरियर और क्या भाई बार ठीक है क्या बन रहे ये बन रहे आपके लिए

क्या मीनिंग निकल कर आ गई क्लियर निकल कर आ गई हमने यहां पे क्लियर मार्क करा ऑब्वियस की मीनिंग को अब देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है क्लियर ठीक है डिस्टिंक्ट विजिबल एविडेंट ठीक है प्लेन एक्सप्लीसिट क्या निकला भाई एक्सप्लीसिट लिंपिड लिंपिड और क्या लूसिड क्या बोलोगे वर्ड वर्ड पे वर्ड पे ध्यान दो जरा लूसिड ये सब की मीनिंग क्या ऑब्बियस क्लियर है ना अपेरेंट ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड है अपेरेंट आपने वहां से उठाया लूसिड उठाया प्लेन उठाया एविडेंट उठाया एक्सप्लिसिट उठाया लिंपिट उठाया विजिबल एंड डिस्टिंग ये सारे के सारे क्या है सारे के सारे क्लियर की मीनिंग दे रहे हैं है ना नॉट हिडन है ना नॉट हिडन सॉरी हाँ नॉट हिडन बेसिकली ऑबियस की अब एंटोनिम्स की बात करें एंटोनिम्स क्या होगा भाई एमबीक्यूएस होगा तो ये भी हिडन के बारे में बात करेगा हुई है। और Vogue में डिफरेंस समझेंगे एक word है एक word है क्या वैग वी ए जी यू वैग मतलब क्या हिडन क्या मीनिंग आ रही है भाई हिडन छुपा हुआ वैग मतलब क्या हिडन एक वर्ड होता है वोग वोग मतलब होता है इन फैसन फैशन में कि ट्रेंड में क्या है उसकी बात कर रहा है वो राइट सो ऑब्सक्योर बैग और क्या बोलोगे आप इसको ऑब्सक्योर लिख लिख रखा हिडन लिख रखा क्लैंडेस्टाइन बोल सकते हो क्लैंडेस्टाइन है ना ये भी छिपा हुआ ही होता है क्लाउडेड बोल सकते हो क्लाउडेड ठीक है अनक्लियर बोल सकते हो अनक्लियर इंप्लीसीट बोल सकते हो है है ना Implicit, not clear, है ना right. so, ये सारी चीजें क्या है भाई भाई ये हो जाएंगे किसके लिए? के लिए. किसके लिए के लिए 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 के के बन रहे का काम करेंगे Now we'll discuss question number 86. 86 क्या कह रहा है ध्यान से सुने ऑफेंसिव 86. 86 होना. होना कहते ना भाई कि ऐसा है कि मैं क्लास ले रहा हूं लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी किसी बात से कोई ऑफेंड हो जाए Offend मतलब क्या बुरा मान जाए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑफेंसिव ऑफेंसिव मतलब कि भाई बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई हार्स uh, हो जाना बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई डिस्कस्टिंग तरीके से बिहेव करना जैसे क्या कभी कभी एंगर में ये जो कोहली साहब हैं ये भूल जाते हैं कि हम अपने ही टी टीम के या फिर अपने ही कंट्री के प्लेयर्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं ऐसा होता है ना ठीक है अब जैसे क्या हम अपने घरों के लिए में, घरों में कितने ऑफेंसिव हो जाते हैं हमें पता नहीं होता कि, नहीं होता कि हम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मम्मा के साथ अपने पापा के साथ ब्रदर के साथ सिस्टर्स के साथ सिबलिंग्स के साथ या फिर जो भी हैं हमारे ठीक है उनके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं कब ये हम भूल जाते हैं जब हम ऑफेंसिव हो जाते हैं क्या हो जाते हैं भाई ऑफेंसिव हो जाते हैं तो ऑफेंसिव की मीनिंग क्या हो रही भाई आक्रामक होना क्या एट्रोसियस होना भाई क्या एट्रोसियस होना डिसगस्टिंग होना उस टाइम पे हमें सोच में नहीं हमारे सोच में नहीं आ रहा होता कि हम अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं हम बस बोलना जान रहे होते हैं अपने गुस्से को काबू करना नहीं जान रहे होते फाउल क्या बोलोगे फाउल क्या बोला आपने फाउल बोला और अगला वर्ड क्या लिखेंगे यहां पे फाउल के बाद रेपलिट रिपेलेंट क्या रिपेलेंट है ना सिकनिंग सिकनिंग निकल के आ रही है वर्ड यहाँ पे सिकनिंग ठीक है व्हील विल ठीक है सो so, एट्रोसियस हुआ डिस्गस्टिंग हुआ पाउल हुआ रिपेलेंट हुआ सिकनिंग हुआ विल हुआ ये सारे के सारे synonyms बन रहे के इसके भाई offensive के synonyms की तरह काम करेंगे antonyms की बात करें अगर क्या क्या होगा भाई? Offensive का, antonyms क्या होगा भाई का agree कर देना सहमति जता देना भाई एग्रीएबल हो जाना प्लीजिंग हो जाना वंडरफुल हो जाना ये क्या काम करेंगे भाई antonyms का काम करेंगे ऑफेंसिव के एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन एटी सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा एटी सेवन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ओमिट 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 की बात देखेंगे जरा ओमिट क्या कह रहा भाई ओमिट मतलब होता है वोमिटिंग एक होता है वोमिट ओमिट को और वोमिट को बिल्कुल डिफरेंशिएट देखना भाई डिफरेंशिएट करके जाना वोमिट होता है भाई वोमिटिंग करना राइट right? वोमिट होता है ये ओमिट ओमिट मतलब क्या है ओमिसन ओ एम आई डबल एस आई ओ एन Omit बना भाई भाई से बना. Omission क्या होता कोई कोई चीज़ हटा देना हटाना ड्रॉप कर दिया मैंने क्या किया भाई मैंने uh, जैसे क्या मिस्टेक Mistake, मिस्टेक्स में से हमने एस को ड्रॉप कर दिया ओमिट कर दिया हटा दिया एलिमिनेट कर देना गायब कर देना मिटा देना रिमूव कर देना डिफॉल्ट हटा देना डिफॉल्ट करना मतलब क्या जो भी आपने सेटिंग्स करी थी फोन के अंदर अब आप डिफॉल्ट सेटिंग्स में आ गए हो डिफॉल्ट सेटिंग्स की मीनिंग क्या गई भाई आपने वो चीजें हटा दी हैं अब वो चीजें आपके दिमाग में नहीं चल रही हैं या फिर आपके फोन में वो वो सेटिंग्स uh, नहीं है जी राइट right? चलो फेल हो जाना निग्लेक्ट कर देना ओमिट की मीनिंग अंडरस्टूड हो गई भाई ओमिट की मीनिंग अंडरस्टूड हो गई अब बात करते हैं एंटोनिम्स की एंटोनिम्स जरा ध्यान दो एंटोनिम्स की बात करते हैं तो क्या इंक्लूड करना इंसर्ट करना इंजेक्ट करना ये क्या बनेंगे हमारे omit के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे अलाउ करना भी आप यहां पे mark कर सकते हो करना करना, भी भी right? करने के sense में भी आप इसको यूज कर सकते हो एक्सेप्ट करने के सेंस में भी यूज किया जा सकता है डन है चलो जी नाउ क्वेश्चन नंबर एटी एट क्या कह रहा है ध्यान से देखें जरा 88 क्या कह रहा है ओपेक

B -L -U -D -B -L -R -E -D, हो गया और क्या डस्की हो गया डी यू एस के वाई डस्की फॉगी हो गया एफ ओ जी जीवाई फॉगी हो गया H -A -Z -Y, हो गया एच ए हेजी हो गया राइट हो गया और क्या सु हो गया एस ओ ओ टी वाई मिस्टी हेजी फॉगी डस्की ब्लर्ड क्या होंगे भाई ओपेक और क्या बोल सकते हो यहाँ पे क्लाउडेड क्लाउडेड ओपेक के लिए क्लाउडेड और क्या ऑब्सक्योर उंड not clear, not clear, भी बोल सकते हो बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात कन्फाउंड ठीक है ना अनसर्टेन एम्बिगस भी बोल सकते हो यहां से ठीक है ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड जो पूछा जाता है आपसे पेपर में उस हिसाब किताब से आपने प्रिपेयर करनी होती है भाई चीजों को है ना चीजों को उस हिसाब से किताब से रखना होता है सो so, ओपेक के लिए इतने सारे वर्ड्स आप फिगर आउट कर सकते हो एंटोनि की बात करें एंटोनि ओपेक मतलब क्या बिल्कुल पैक्ड बिल्कुल क्लियर नहीं तो अब यहाँ पे क्लियर के लिए क्या दे रखा भाई लूसीड ठीक है फिर क्या अनक्लाउडेड ट्रांसपेरेंट क्लाउडेड देखो मैंने यहां लिखा हुआ वहां पर अनक्लाउडेड लिखा हुआ एंटोनी में और क्या बोलोगे बोलोगेड है ना लिंपिड limpid. Limpid बोल दिया मैंने लिंपिड के अलावा और क्या बोल सकते लुसिड हो गया लिंपिड हो गया और क्या बोल सकते हैं एक्सप्लीसिट बोल दिया हमने एक्सप्लीसिट ठीक है क्लियर हो गया भाई ट्रांसपेरेंट हो गया लिंपिड हो गया एक्सप्लीसिट हो गया अनक्लाउडेड हो गया लूसिड हो गया इन सब की मीनिंग क्या होगी भाई ठीक है इन सबकी मीनिंग हो गई भाई. एंटौनिम्स, एंटौनिम्स बनेंगे किस के के बनेंगे. किसके लिए? लिए के देख रहा हूं, संबानी। opulent की मीनिंग वैसे ही आपको समझ में आ गई होगी भाई कि किसकी चल रही है? Opulent की मीनिंग क्या ओपुलेंट मतलब होता है wealthy. क्या भाई? Wealthy. बहुत ज्यादा पैसा होना रिच होना तो से लस यहां से लस लैविस ठीक है पलेशियल क्या पलेशियल पी ए एल ए टी आई ए एल पलेशियल पी ए एल ए टी आई ए एल रिच समूस ये सारे के सारे क्या हैं भाई लैविसरियट प्लेशियल रिच समूस ये क्या होंगे भाई सिनानिम्स की तरह काम करेंगे ओपोलेंट के सिनानिम्स की तरह काम करेंगे भाई एंटोनिम्स की बात कर लें अगर एंटोनिम्स होगा क्या एंटोनिम्स बन जाएगा डिप्रेस्ड होना भाई डेस्टिट्यूट होना डिप्रेस्ड इसलिए भाई कि ओपोलेंट मतलब क्या हो गया भाई कि आप बिल्कुल आपके पास सब कुछ है तो आप बिल्कुल हैप्पी हो आपके पास कहते भाई सबके पास सब कुछ होता है तो वो हैप्पी होता है तो उस सेंस में आप डिप्रेस्ड मार्क करो डिस्टिट्यूट पुअर है ना आ, पेन्यूरी बोल सकते हो पेन्यूरी एक वर्ड होता है भाई पेन्यूरी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो इसके एंटोनिम में है ना ठीक है चलो जी नाउ क्वेश्चन नंबर 90 90 क्या कह रहा है ऑर्डियल नाइनटी क्या कह रहा है भाई ऑर्डियल ठीक है ऑर्डियल ओ आर डी ई एल ऑर्डियल राइट हम्म

बिल्कुल एक अलग ही लेवल का टेस्ट लेना किसी का कि भाई वो सही है पवित्र है पायस है या नहीं है उसको बोलते हैं क्या ऑडियल बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑडियल बोलते हैं मतलब क्या ट्रायल क्या क्रूसिबल एफ्लेक्शन एगोनी डिस्ट्रेस ट्राइब्यूलेशन ठीक है ना ये क्या बनेंगे ट्राइब्यूलेशन ऑडियल एफ्लेक्शन ट्रायल ये क्या बनेंगे भाई एगोनी है ना ये क्या बन जाएंगे भाई सिनोनिम्स बन जाएंगे किसके ऑडियल के Done है ऑडियल का synonym भी done है भाई। बात करेंगे ऑडियल के एंटोनि के बारे में तो जहां पे यहां पे क्या दिख रहा है, भाई? दिख रहा है तो यहां पे क्या क्या दिखाना होगा भाई? भाई? ठीक है ना? ये बन क्या बनेगा भाई? बन जाएगा जाएगा बनेगा के लिए। चलो अगली बात करें अगर हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन नाइन वन क्या कह रहा है भाई? Original, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ओरिजिनल ओरिजिनल की मीनिंग यहां देखो ओरिजिनल क्या प्रिसीडिंग ऑल अदर्स इन टाइम आर बींग एज फर्स्ट मेड और परफॉर्म्ड है ना अगर इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल एग्जाम्पल नॉट ऑफ सेकेंड हैंड और बाई वे ऑफ समथिंग इंटरमीडिएटरी या फिर बींग और प्रोडक्टिव ऑफ समथिंग फ्रेश एंड अनयूजल बेसिकली ओरिजिनल की मीनिंग है क्या भाई ओरिजिनल की मीनिंग क्या है भाई फंडामेंटल असली होना ओरिजिनल आपको पता ही है फंडामेंटल प्राइम ऑथेंटिक जेनविन इनोवेटिव ये सब क्या होंगे भाई ओरिजिनल की आ, बिल्कुल एक अलग लेवल की मीनिंग बन जाएंगे ओरिजिनल मतलब क्या बिल्कुल ऑथेंटिक है ना रियल कह सकते हो वो हो जाएगा क्या ओरिजिनल के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव फेक बोल सकते हो फेक बोल सकते हो ठीक है, लेटेस्ट और न्यूएस्ट ना बोलने की जरूरत नहीं बोलने की जरूरत है डेरिवेटिव बोल सकते हो फेक बोल सकते हो ठीक है ओरिजिनल के लिए क्या करेंगे भाई एंटोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 92 92 क्या कह रहा है ऑर्थोडॉक्स होना 922 किसके बारे में बात कर रहा है भाई ऑर्थोडॉक्स होना ऑर्थोडॉक्स क्या कहलाता है भाई कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्स होना कट्टरपंथी कहलाता है ऑर्थोडॉक्स अब ऑर्थोडॉक्स देखो क्या होता है कंप्लाई विद द ट्रेडिशनल एंड इस्टेब्लिश बिलीव एंड प्रिंसिपल प्रैक्टिस स्पेशली इन रिलीजन कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पर्सन जो सदियों पुरानी चल चली आ रही परंपरा सिर्फ उसमें बिलीव करता है लॉजिक पे बात नहीं करता है

ठीक है और क्या विधवा विवाह नहीं होना चाहिए तलाक होना नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें जो बोलता है उसको बोलते हैं क्या ऑर्थोडॉक्स राइट जो इन सारी चीजों को मानता है जो जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं जिसमें कोई भी लॉजिक कोई भी फंडा नहीं है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स राइट देखो ट्रेडिशनलिस्ट लिखा हुआ कन्फर्मिस्ट लिखा हुआ भाई है ना कन्फर्मिस्ट लिखा हुआ है ऑर्थोडॉक्स क्या लाइक डन है अब आगे देखो एंटोनिम्स की बात करें तो हैट्रोडॉक्स होगा भाई प्रोग्रेसिव सोच वाला लिबरल बोल सकते हो एंटोनिम्स में क्या बोल सकते हो लिबरल

है ना क्या क्या वैसिलेट सी और स्वे राइट ये क्या बन रहा है ये बन रहा है आपके लिए ऑसिलेशन के लिए क्या ऑसिलेट करना सिनोनिम्स हो गया भाई क्या बना भाई सिनोनिम्स का काम कर रहा है ये सिनोनिम्स की तरह ऑसिलेट आगे पीछे होना डोलना डोलना देख हो भाई डोलना है ना आगे पीछे डोलते हो भौरों की तरह है है ना सॉन्ग भी सुना होगा आपने राइट right. ठीक चलो जी कोई बात नहीं सो so, ऑसिलेट की मीनिंग क्या है, करना, करना, है? Right. यूज हो रहा है एंटोनिम्स एक जगह पे स्टेडी है ना रिमेन जहां हो वहीं के वहीं बने रहना उसको बोलते क्या ऑसिलेट के लिए एंटोनिम्स की तरफ मार्क कर लिया जाएगा नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 94 94 कह रहा है आउस्ट आउस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई आउस्ट की मीनिंग होती है सर टू फोर्स समवन टू लीव अ पोजीशन ऑफ पावर जॉब प्लेस और कंपटीशन आउस्ट की मीनिंग बताएंगे जरा आउस्ट की मीनिंग फटाफट आंसर करेंगे जी मैंने बोल दिया ठीक है मैंने तो रीड कर दिया जी हाँ क्या बोल रहा भाई कि क्या कर देना है भाई फोर्स कर देना किसी को फोर्स कर देना कि वो अपनी पोजीशन अगर किसी जॉब में किसी पोजीशन पे भाई तो अपनी पोजीशन छोड़ दे किसी प्लेस पे है तो वो प्लेस छोड़ दे ठीक है और क्या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना बंद कर दे छोड़ दे तो आउस्ट करने का मतलब क्या होता है किसी को निकाल देना बेदखल करना एक्सपेल करने के सेंस में आप करनाट का यूज करते हो क्या एक्सपेल करने के सेंस में तो देखो बंप मार्क मार्क करोगे यहाँ पे डिसमिस कर देना किसी को क्या कर दिया आपने डिसमिस कर दिया कि वो वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ठीक है इजेक्ट कर दिया एविक्ट कर दिया मतलब बाहर का रास्ता दिखाना इजेक्ट और एविक्ट मतलब क्या सेंट आउटसाइड है ना बाहर भेज देना उसको बोलते हैं क्या

है ना आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग मतलब बिल्कुल मेसमराइज कर देने वाला है ना बिल्कुल एकदम चकित कर देने वाला है ना बिल्कुल प्रोमिनेंट लेवल का outstanding को क्या बोलोगे प्रोमिनेंट टॉप लेवल क्या बोलोगे भाई टॉप लेवल लेवल नॉच ठीक है सो so, आउटस्टैंडिंग क्या हो गया भाई नोटिसेबल हो गया आपने नोटिसेबल को मार्क किया प्रोमिनेंट मार्क किया यहाँ से ठीक है प्रोमिनेंट मार्क किया रिमार्केबल मार्क किया आपने यहां से मार्क किया ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क किया सिंगुलर मार्क किया देखो भाई इतनी मार्क्स आपने लगाए नोटिसेबल प्रोमिनेंट रिमार्केबल सैलियंट सैलियॉर्डनरी और सिंगुलर ये क्या बन रहे भाई आउटस्टैंडिंग के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग किसका काम कर रहे हैं सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं ठीक है रोहित शर्मा ने ये टू सिक्सटी फोर रन बनाए थे ठीक है अब कब किसी टाइम पे बनाए थे मुझे याद नहीं है

96 की बात करेंगे 96 क्वेश्चन नंबर की वो कह रहा है क्या राइट right. so, की मीनिंग यहां दे रखा है क्या ऑबडेट मतलब क्या जिद्दी है ना ऑपड्यूरेट की मीनिंग क्या दे रखा दे रखा भाई जिद्दी आप देख रहे रहा होबडेट मतलब क्या रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड और योर एक्शन इन एनी वे आपने मना कर दिया कि आप जो बोल रहे हो ना मैं वो बात नहीं मानूंगा मैं खुद से पढ़ते हुए हूं तो मैं खुद पढ़ूंगा तो आप बहुत ज्यादा क्या हो ऑब डेट हो आप अपना रास्ता नहीं बदल रहे हो आप मंजिल को बदल दे रो क्या बोला मैंने अब अपना रास्ता नहीं बदल रहा है आप मंजिल को बदल दे रहे हो तो आप क्या हो बहुत ज्यादा ऑप्टूडेट हो मतलब आप कह रहे हो कि मैं जो जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ना वो रास्ता बड़ा सही है जी है ना मैंने इसको चेक टेस्टेड है है भाई ये है ना ठीक है तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो बस मंजिल को कह रहे हो भाई एस नहीं हो रहा तो आप कुछ और ट्राई कर लेते हैं वो नहीं हो रहा तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं है ना समझ आ रही है बात तो क्या होगा भाई कैलुअस होगा हार्ड एंड होगा एडामांट होगा ग्रीम होगा रिमो रिमोर्सलेस होगा इम्प्लेकेबल होगा और क्या वर्ड बन सकता है ऑप्डूरेट से ऑप्स्टिनेट बन जाएगा ऑप्स्टिनेट ठीक है स्ट्रिक्ट बन जाएगा स्टर्न बन जाएगा है ना सो so, दीज आर द इम्पोर्टेंट वर्ड ऑबडूरेट स्ट्रिक्ट स्टर्न राइट कैलवस हार्ड एंड हेड स्ट्रांग बोल दोगे क्या बोल दोगे हेड स्ट्रांग है ना तो यह भी हो जाएगा जी हेड स्ट्रॉन्ग राइट right. सो so, ये क्या बन जाएंगे ये बन जाएंगे ऑबडोरेट जिद्दी के लिए क्या बनेंगे भाई ये सारे के सारे के बन जाएंगे की बात करें तो वाला ऐसा होगा भाई भाई जो बात मानता हो ओबे करता हो करता तो एमिनेबल फ्रेंडली आ, क्या अफेबल ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई एंटोनिम हो जाएंगे ऑबडोरेट के ऑब्डूरेट पेपर में आपको बार बार देखने को मिल रहा है अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 97 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेटरी की मीनिंग क्या होती है भाई ऑब्लिगेटरी की मीनिंग होती है वो कोई भी चीज जो कि क्या हो बिल्कुल अनिवार्य हो है ना कंपलसरी जिसको आप बोलते हो ऑब्लिगेटरी को क्या बोलोगे भाई कंपलसरी जैसे क्या पैन कार्ड आधार कार्ड इंडिया में क्या है भाई कंपल्सरी है आपके पास होना चाहिए आपके पास होना चाहिए ठीक है तभी आपको कहा जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे के क्या हो सिटीजन हो जी ठीक है चलो

क्या बन रहे भाई सिनोनिम्स बन रहे अब एंटोनिम्स देखो ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य होता है तो जो ना हो, 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 मतलब अपने मन से उसको कर सकते हैं, और छोड़ सकते हैं तो क्या क्या ऑप्शनल निकल के आया वॉलेंट्री निकल के आया नॉन निकल के आया ये बन रहे हैं किसके लिए ऑब्लिगेट्री के लिए नाउ क्वेश्चन नंबर एट देखना जरा ओब्लाइज नाइन क्या कह रहा है ठीक है, ओब्लाइज ऑबलाइज मतलब क्या आभारी होना थैंकफुल होना ओबलाइज होना क्या थैंकफुल होना क्या टू रिक्वायर टू डू समथिंग ओबलाइज मतलब क्या टू रिक्वायर टू डू समथिंग राइट कि आपने किसी को ओबलाइज कर दिया उसको मीठी मीठी बातें के अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें के उसको आपने क्या करा भाई ओबलाइज कर दिया राइट सो ओब्लाइज की मीनिंग क्या होगी भाई बी होल्डेन बी होल्डेन राइट बाउंड करना किसी को बाउंड करना मजबूर कर देना इन कर देना ऑब्लिगेटेड कर देना फेवर्ड कर देना अटैच कर देना क्या फेवर्ड कर देना अटैच कर देना ये क्या कहलाएंगे बी बी होल्डन बाउंड इनडेप्टेड और क्या ऑब्लिगेटेड अटैच फेवर्ड ये ऑब्लिगेट की क्या कहलाएंगे भाई सिनोनिम कह लेंगे एंटोनिम्स की बात करते हैं एंटोनिम्स क्या होगा भाई क्रिटिकल लेट ऑफ और ये क्या बन जाएंगे भाई एंटोनिम बन जाएंगे 98 नंबर के क्वेश्चंस के बात करेंगे 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ट्रिपल नाइन कह लो इसको 99 कह लो है ना 999 सौ निन्यानवे नंबर के क्वेश्चन पहुंच चुके हो आप है ना 999 सौ निन्यानवे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑफसीन कह रहे हो क्या कह रहे हो आप आप ये कह रहे हो कि सर बहुत ही ऑप्सीन ऑफेंस हो गया है मणिपुर मणिपुर में बहुत ही कुकृत्य हो गया, क्या हो भाई फिर? हो गया है। कुकृत आपने हिंदी में, में बोलेंगे ऑप्शी मतलब क्या हो गया भाई घिनौना है ना अब घिनौने के लिए हमारे पास क्या वर्ड हैलगर ठीक है वलगर स्क्यूरिलस क्या स्क्यूरिलस स्क्यूरिलस आपने मार्क किया प्रोफेन माक किया आपने रिबाल्ड मार्क किया आपने ल्यूड मार्क किया रेडिकुलस मार्क किया ये क्या बन रहे भाई रहेन के लिए सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं ऑप्शिन के लिए क्या बन रहे भाई बिल्कुल सिनोनिम्स का काम कर रहे हैं ल्यूड रिबाल्टिबाल की स्पेलिंग बिल्कुल आप देख लो रिबाल्ट की स्पेलिंग देख लें जरा आराम से रिबाल्ट ठीक है ल्यूड रिबाल्ट प्रोफेनस और क्या वल्गर और रेडिकुलस ये क्या बनेंगे रेडिकुलस की स्पेलिंग तो आती है आपने क्या ठीक है ना रेडिकुलस की स्पेलिंग आपको पता है जी ठीक है ऑप्शन ठीक है क्लियर है ऑप्शन समझ आ गया भाई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फाउल फाउल सा foul भी बोल सकते हो पे फाउल भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है फाउल भी लगा लो फिल्दी लगा लो फिल्दी भी आपका वही मतलब निकाल के देगा फिल्दी फाउल राइट ठीक है नाउ एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं एंटोनिम्स क्या होगा भाई मतलब ऑप्शन मतलब घिनो ना मोराल अपराइट डिसेंट डिसेंट मतलब ठीक ठाक अपराइट मतलब भी ठीक ठाक मोराल मतलब नैतिक रूप से ठीक ठाक डन है इस के लिए है है क्या क्या? क्या? भाई ध्यान दे, का सावधान होना होना होना, होना होना, होना, क्या? सावधान होना, alert होना क्या? Alert होना, सावधान सावधान होना. ठीक है जैसे क्या जो इस क्रॉसिंग पे जाएगा अब इसमें क्या है नो मैन क्रॉसिंग है ना? ये कोई भी इंसान नहीं है यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्टेशन वगैरह नहीं है अब गाड़ियां अगर यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रही हैं तो भाई बिल्कुल क्या होना पड़े पड़ेगा भाई रेलवे रेलवे क्रॉसिंग बस ये यहाँ पे साइन एक लगा रखा है साइन बोर्ड लगा रखा है ठीक है जिसको भी यहाँ पे क्रॉस करना होगा बिल्कुल अलर्ट हो, हो क्रॉस करना होगा आप बहुत ज्यादा न्यूज आर्टिकल में भी ये चीजें पढ़ते हो कि की हाँ भाई वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं था वहाँ पे लोग नहीं थे ठीक है तो वहाँ पे कोई फाटक नहीं था कोई गेट नहीं था ऐसी वाली बात है कि तो एक्सीडेंट हो गया ये हो गया वो हो गया सो उस टाइम पे आपको अलर्ट होना पड़ता है और क्या होना पड़ता है भाई अलर्ट होना पड़ता है सर विजिलेंट होना पड़ता है ठीक है वेकफुल होना पड़ता मतलब जगह जगह जगना होता और एक होता है बिल्कुल वेक रहो अवेक रहो बिल्कुल जगे रहो अचौकन्ना अच्छा वाली स्थिति है ना वियरी होता है हेडफुल होता है कॉन्सियस होता है मतलब बिल्कुल आप जगे रहो एकदम तो ऑब्जर्वेंट रहो ठीक है अलर्ट रहो केयरफुलनेस के तरीके से सोचो समझो राइट तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करेंगे एंटोनिम्स क्या हो जाए भाई इन अटेंटिव अनअवेयर और थॉटफुलनेस ये क्या बनेंगे भाई एंटोनिम्स बन जाएंगे वन थाउजेंड नंबर नंबर का क्वेश्चन हमने अभी खत्म किया एक हजार सिनोनिम्स की प्रैक्टिस आपने कर ली एक हजार बेहतरीन सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करी है आपने ठीक है रटना कुछ भी नहीं है जी रीड करना है राइट करना है आगे बढ़ना है रीड, राइट, रीड, आगे बढ़ना है जी